Hello friends, welcome to Learn Maths. Please press the subscribe button to subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video updates. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ एक्सरसाइज 20C, दैट इज मेंसुरेशन. क्वेश्चन नंबर 11th है, फाइंड द एरिया ऑफ रॉम्बस. एरिया ऑफ रॉम्बस हमें निकालना है. एरिया ऑफ रॉम्बस है एंड द लेंथ ऑफ हूज डायगनल्स आर. डायगनल हमें दे रखी है, फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, डायगनल्स दे रखी हैं, तो डायगनल फर्स्ट, एक डायगनल दे रखी है 16 सेंटीमीटर और दूसरी डायगनल, डायगनल सेकेंड, सेकेंड दे रखी है 28 सेंटीमीटर. फ्रेंड्स हम रॉम्बस बना रही हूँ मैं. रॉम्बस की ये डायगनल्स होती हैं जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. ये दोनों डायगनल्स दे रखी हैं हमें, तो एरिया ऑफ रॉम्बस हमारा डायगनल से भी बनता है. एरिया ऑफ रॉम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगनल वन इंटू डायगनल टू. तो हाफ, डायगनल वन क्या हो गई 16 और डायगनल टू क्या हो गई 28. 2 1 2 2 8 16, तो ये आ गया 8 8 64, 8 2 16, 17 18 19 20 21 22. 2 to 4 centimeter square is the answer. Let's do second part. इसमें हमें अगेन एरिया ऑफ रॉम्बस निकालना है. फर्स्ट डायगनल दे रखी है हमें, एट डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर, और सेकेंड डायगनल दे रखी है हमें 5 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर. तो फ्रेंड मीटर आता है, फिर डेसीमीटर आता है, फिर सेंटीमीटर आता है. डेसीमीटर्स में से सेंटीमीटर में करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर से डेसीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड. तो हमें डेसीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5, तो ये कितना हो गया 80 + 5, दैट इज 85 सेंटीमीटर. ऐसी सेकेंड डायगनल कितनी हो गई 5 × 10 + 6, 50 + 6, तो ये कितनी हो गई 56 सेंटीमीटर. राइट फ्रेंड, अब क्या करेंगे हम, एरिया, एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ रॉम्बस हो गया हमारा हाफ इंटू डायगनल वन इंटू डायगनल टू. हाफ, डायगनल वन कितनी आई 85 और डायगनल टू कितनी आई 56. 2 1 2 2 2 4 2 8 16, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 85 × 28. 8 5 40, 8 8 64 68, 2 5 10, 2 8 16 17, 0 8 3 2, 2 3 8 0 centimeter square is the answer. Let's do question number 12. Exercise है 20C, mensuration. Find the area of rhombus. Area of rhombus निकालना है हमें. Area of rhombus निकालना है. Each side of which measures 20 सेंटीमीटर. रॉम्बस की हर एक साइड है 20 सेंटीमीटर. फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए, रॉम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, राइट. एंड हूज वन डायगनल, एक डायगनल दे रखी है, वो है 24 सेंटीमीटर की. हमें क्या निकालना है,
फाइंड द एरिया ऑफ रॉम्बस, एरिया निकालना है पूरे का. फ्रेंड्स हमें हमें पता है कि अगर हम ये वाला एरिया दूसरी डायगनल खींच देंगे तो ये मिड पॉइंट पे डिडक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया, और एक साइड ये हो गई और एक साइड ये दे रखी है. अगर हम ये साइड निकाल लें तो हमारे इसको डबल कर देंगे तो हमारी डायगनल पूरी आ जाएगी. ठीक है, हमें एरिया ऑफ रॉम्बस निकालना है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज होती है लॉन्गेस्ट साइड, 20 का होल स्क्वायर. परपेंडिकुलर हमने इसको ले लिया, ये सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल में रखती है. और मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट वीडियोस में कि जो रॉम्बस है वो 90 डिग्री पे हम इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम आए. 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400, 20 इंटू 20 इज 400, 12 इंटू 12 इज 144 प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर इक्वल्स टू 400 माइनस 144. बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया 2, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 256. कैसे निकालेंगे 256 का अंडर रूट, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 8 1s are 8, 8 is 64, 8 1s are 8. दो दो के पेयर्स बनाए और एक एक बार बाहर निकाला तो ये हो गया 2 8s are 16, 16 सेंटीमीटर आ गया. तो इसका मतलब ये 16 सेंटीमीटर है, तो पूरी डायगनल कितनी हो गई, डायगनल सेकेंड हमें मिल गई है 16 इंटू 2, ट्वाइस कर दिया तो हो गई 32 सेंटीमीटर की, या 16 प्लस 16 करेंगे तब भी 32 सेंटीमीटर. अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रॉम्बस. एरिया ऑफ रॉम्बस क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2. तो हाफ इंटू डायगनल 1 हमें कितनी दे रखी थी, 24. डायगनल 2 कितनी निकल के आई, 32. तो 2 1s are 2, 12, तो ये कितना हो गया, 12 2s are 24 to carry, 12 3s are 36, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.